और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लिख रहे हैं, इसी सजेशन हमें दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है नोबल पीस प्राइज फॉर पीएम मोदी वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल फेस ऑफ पीस नोबल कमेटी डिप्टी यूपीएससी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें, इनके चैनल को उसके ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को क्या नोबल पीस प्राइज इस बार का मिलेगा, इसको लेकर काफी अचानक से चर्चा होने लगी। ये आप देख सकते हो, खबर आई है पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबल पीस प्राइज, ऐसा बोला है एस्ले तोजे ने। तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया, उनका क्या मानना है, और साथ ही साथ आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि नोबल पीस प्राइज के जो विनर होते हैं उनको चुना कैसे जाता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है अगर आपको यूपीएससी का 2025 का एग्जाम देना है लॉन्ग टर्म बैच, ये आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। इसके अंदर मैं बता दूं 1500 से भी ज्यादा घंटे के जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको कराई जाती है, मेंटरशिप मिलता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब फुल ब्रेच 2 साल की तैयारी आपको इस कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा। या फिर अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप 2023 इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं, इन सभी को क्रैक करने के लिए, और साथ ही साथ आपको पता है ईपीएफओ की एक बड़ी वैकेंसी आई है, अगर आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नॉर्वेजियन नोबल कमिटी, मतलब कि वो कमिटी जो कि नोबल पीस प्राइज किसको मिलेगा, वो जो कमिटी है उनके डेप्यूटी लीडर हैं, उनके द्वारा ये बयान आया है, तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं आपको बताऊंगा ये कमिटी करती क्या है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिसाइड करने में वोटिंग के थ्रू होता है। तो इनके जो डेप्यूटी लीडर हैं, अगर वो यहां पर कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द स्ट्रांगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबल पीस प्राइज, तो इसी की वजह से अचानक से कल से इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा, साफ साफ कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी का काफी बड़ा फैन हूं, उनके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसका फैन हूं। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि आज के डेट में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ट्रस्टेड लीडर, जो कि दो देश के बीच में अगर वॉर होने की आशंका है तो उस वॉर को रोकने में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बेसिकली वो यूक्रेन की तरफ इशारा कर रहे थे, मैं उसका भी बयान आपको दिखाता हूं, लेकिन आप देख सकते हो बेसिकली उनका ये कहना था कि आज के डेट में भारत जो है वो रिच कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई हैं उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि अगर नरेंद्र मोदी जी नोबल पीस प्राइज जीतते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट होगा क्योंकि ही इज द मोस्ट डिजर्विंग लीडर। तो इतने पुल के तारीफ जो है वो डेप्यूटी लीडर, और कोई नहीं है ऐसा, आप समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, डेप्यूटी लीडर है नॉर्वेजियन नोबल कमिटी के, जो डिसाइड करती है कि इस बार का नोबल पीस प्राइज किसको मिलेगा। इनफैक्ट इनका ये भी कहना था कि भारत ने जिस तरह से अपनी भूमिका अभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान दिखाई है, और आपने देखा होगा भारत का साफ साफ बयान आया था, वैसे तो हमने रशिया के खिलाफ डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन जब न्यूक्लियर की बात आई तो भारत ने साफ साफ यहां पर बोला था कि न्यूक्लियर वेपन का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, यह हमने रशिया की तरफ इशारा करते हुए बोला था। तो बेसिकली यहां पर तोजे ये कह रहे हैं कि भारत ने बहुत लाउड वॉइस में इसको नहीं बोला, मतलब कि यहां पर बैलेंस रखने की कोशिश की, फ्रेंडली मैनर में दोनों देश के साथ एक सही तरीके से जो कन्वर्जेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो बनाकर रखा, मतलब कि वी नीड मोर ऑफ दैट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी जैसे लीडर और होने चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये उनका बयान है। अब देखिए एस्ले तोजे जो है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ही इज रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट फ्रॉम नॉर्वे। नॉर्वे आप सबको पता होगा एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, और यूरोप के अंदर नदन साइड में आप देखोगे जो आर्कटिक सर्कल आता है, आर्कटिक ओशन से सटा हुआ, ये नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्ले, तो वहां से ये बिलोंग करते हैं।
एंड ही इज ऑल्सो विजिटिंग प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ ही इज द मेंबर ऑफ नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स. साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया ही इज द डेप्यूटी लीडर ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी. वो ये कमिटी है जो नोबेल पीस प्राइज का विनर कौन है वो तय करती है. और करेंटली ये जो कमिटी है ना नोबेल पीस प्राइज कमिटी की, एक्चुअली 5 मेंबर होते हैं इस कमिटी में. तो वो कमिटी इस समय भारत आ रखी है, भारत के अंदर आकर वो जानकारी लेना चाहती है क्योंकि वो 5 मेंबर मिलकर वोट करेंगे, तय करेंगे कि इस बार का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा. और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तोजे हैं जिन्होंने इसके बारे में बयान दिया है वो 2020 में भी रायसेना डायलॉग जो कि भारत में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था. आपको पता है ना रायसेना डायलॉग जो हो रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बयान दिया था. अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका मायने क्यों रखता है. देखिए नोबेल पीस प्राइज मिलना अपने आप में एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है. किसी भी पर्सन को अगर वो नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जाती है, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उन्होंने पूरे विश्व भर के अंदर शांति लाने में, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में यहाँ पर की है. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो पहले भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड मिलना चाहिए. लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा जो एक स्ट्रांग कंटेंडर होता है ना, एक स्ट्रांग सेंस आता है कि इस बार मिल सकता है, वो कभी नहीं देखा गया. इनफैक्ट आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर कई लोगों के द्वारा एडवोकेट किया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया, पॉवर्टी कम किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, देशों को मिलाने की कोशिश की थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इन सब को लेकर पहले चर्चा हो रखी है कि इसकी वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए. लेकिन मैं आपको बता दूं नोबेल पीस प्राइज तो अभी तक नहीं मिला है पीएम मोदी को, लेकिन 2018 में अगर आपको याद हो तो साउथ कोरिया का ये जो अवार्ड है जिसको कहा जाता है सियोल पीस प्राइज, मतलब कि पीस प्राइज में अगर हम देखें तो नोबेल के बाद सेकेंड नंबर पर यही आता है. तो 2018 में उनको ऑलरेडी ये अवार्ड मिल चुका है और 28 साल के बाद किसी भारतीय को ये अवार्ड दिया गया. और अभी तक पूरे विश्व में, अभी तक इतिहास में आप देखोगे तो सियोल पीस प्राइज 13 लोगों को दिया गया है अभी तक. और ये बाई एनुअली होता है, मतलब कि 2 साल में एक बार ये होता है. जो भी पर्सन विश्व भर में शांति स्थापित करता है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश करता है. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो भी ज़्यादातर पर्सन को जिसको सियोल पीस प्राइज दिया गया है उसको आगे चलकर नोबेल पीस प्राइज भी मिला है. और इसी की वजह से इतनी चर्चा होने लगी है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सियोल पीस प्राइज मिल रखा है तो इसलिए उनको ये वाला भी अवार्ड दे देना चाहिए. जहां तक नोबेल पीस प्राइज की बात है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी और बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने जो अपना वेल्थ है वो इसके अंदर लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि इसको 5 प्राइजेज में बांटा जाएगा. तो 1901 से अगर हम देखें तो 5 कौन से हैं, एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, चौथा लिटरेचर और 5वां पीस. तो ये तो चल रहा था, फिर आगे चलकर 1968 में इकोनॉमिक्स वाला भी जोड़ दिया गया था. और इनका स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे अल्फ्रेड नोबेल का, उन्होंने कहा था कि उस पर्सन को यह अवार्ड मिलना चाहिए जो कि दो देशों के बीच में जो सद्भावना है वो लाने की कोशिश करता है, जो स्टैंडिंग आर्मीज हैं उसको कम करने की कोशिश करता है और पूरे विश्व में पीस लाने की कोशिश करता है, उसको यह अवार्ड मिलना चाहिए. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अवार्ड कैसे मिलता है. देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है ना कि नॉमिनेट किया जाता है किसी को. अब नॉमिनेट करना भी आसान नहीं है क्योंकि मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नॉमिनेट किया जाता है और भी कई लोगों का नॉमिनेशन आता है कि इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो ये नॉमिनेशन कौन दे सकता है. देखिए या तो अगर जैसे कि भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा है उनके मेंबर्स यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को, हेड ऑफ द स्टेट मतलब कि कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये अवार्ड मिलना चाहिए. इस तरह से यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा नॉमिनेशन दिया जा सकता है कमिटी को. अब ये जो कमेटी मैंने बताया ना, नॉर्वेजियन कमेटी, नोबेल पीस प्राइज की, नोबेल प्राइज की जो कमेटी होती है उसमें बेसिकली 5 मेंबर होते हैं. और ये 5 मेंबर कैसे चुने जाते हैं, जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है, नॉर्वेजियन जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर 5 मेंबर को चुनती है और वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं नॉमिनेशंस में से. वोटिंग के माध्यम से वोटिंग किया जाता है इन कमिटी के मेंबर्स के द्वारा और ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि किसको ये प्राइज मिलेगा. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसने किसको नॉमिनेट किया, किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया, ये 50 साल तक कभी भी रिवील नहीं होता है, किसी को नहीं पता. मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑलरेडी किसी ने नॉमिनेट कर दिया होगा लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है इसके बारे में क्योंकि इसको रिवील 50 साल तक नहीं किया जाता. और अभी तक मैं आपको बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज आप देख सकते हो कि 103 टाइम्स अभी तक दिया गया है, जिसमें टोटल 140 विनर्स हैं, जिसमें से 110 इंडिविजुअल्स को दिया गया है और 30 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है. और आपको पता ही है कि भारत में लास्ट टाइम जो नोबेल पीस प्राइज मिला था वो थे कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्होंने
बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उन्हें उनके एजुकेशन को लेकर, उनको कैसे लेबर से छुटाना है, चाइल्ड लेबर हो गया, तो बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई थी। और वो शेयर किया गया था प्राइज़ जो है 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि यंगेस्ट लॉरिएट हैं अभी तक की, 17 साल में उनको ये प्राइज़ मिला था। तो देखना होगा आगे चलकर आपका क्या सोचना है, क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को ये प्राइज़ मिलना चाहिए, क्या आपका थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि 2022 का जो नोबल पीस प्राइज दिया गया था, अगर आपको याद हो, तो वो पीस प्राइज बेसिकली 3 कंट्रीज शामिल थे उसके अंदर, मतलब कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिया गया था 3, जो कि 3 अलग अलग कंट्रीज में थे। तो क्या बता सकते हो कि उनमें से वो कौन सा वो कंट्री नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव डिस्काउंट, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। भाई किसी इंसान को नोबेल प्राइज़ जो है मिलना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होती है उस इंसान की, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नोबेल प्राइज़ है वो बेसिकली जाना जाता है द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, यानी इंसानों को जो फ़ायदा जो है उस इंसान से पहुंचा। और अगर हम पिछले कुछ टेन्योर में बात करें, खासतौर पर जो कोरोना काल आया उसमें जितनी तेज़ी से जो है इंडिया में अगर आपको देखने को जो है वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर हुई, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरह सप्लाई की गई, तो ये जो है देखा जाए तो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था उस टाइम। सो बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है उसमें ये कि आप इंसानों की भलाई के लिए कितना काम करते हैं, जहां तक हम लोग पढ़ पाए हैं और समझ पाए हैं। अदरवाइज जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट डिफरेंट बताई गई हैं, लेकिन पीस की जो कैटेगरी है उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिसेंटली जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया और जिस तरीके से इंडिया ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर देखते हैं कि इंडिया आज के टाइम में उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे कि यू नो, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो कोई भी चाहे मतलब कंट्री की बात हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बात हो। और अगर पीएम मोदी जी की बात करें तो पीएम मोदी जी को लेकर मुझे लगता है कि ऑलरेडी पावरफुल लीडर्स में उनका जो है शुमार होता है। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, जो भी एजेंसीज होती हैं या जो भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ये चीज़ अवेल्युएट करती हैं किसी भी लीडर के बारे में, डेफिनेटली वो उनके पूरा जो एक काम करने का स्टाइल है या क्या क्या उनकी अचीवमेंट, उन सबको इवेल्युएट करने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। सो मुझे लगता है कि पीएम मोदी जी के बारे में जिस तरीके से अभी बात बोली जा रही है, तो बहुत ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि उनको नोबेल प्राइज़ का अवार्ड जो है पीस का वो मिले। अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो 1906 से लेकर 2019 तक 13 वर्ल्ड लीडर्स यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। सो अब जो है पीएम मोदी जी जो हैं वो भी उस लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, ये तो अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या बनता है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, मतलब होगा आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी देखें और अगर ग्लोबली भी देखें तो उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी जी जो हैं उन्हें जो है सियोल पीस अवार्ड भी जो है वो मिला हुआ है, और जो है जैसे बताया गया कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जिन्हें जो है ये अवार्ड मिलता है उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ का जो है पीस अवार्ड वो भी जो है दिया जाता है। अभी इस टाइम तक देखा जाए तो इंडिया में लगभग जो है 8 लोगों को जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जा चुका है, जो कि इंडियन एथनिसिटी के हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 2 लोगों को दिया जा चुका है, एक उनमें से डॉक्टर अब्दुल सलाम है और दूसरा जो है वो मलाला यूसुफ़ज़ई है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि इस मरतबा जो है पीएम मोदी जी को ये प्राइज जो है नोबेल प्राइज जो है वो मिलेगा, क्योंकि अगर ये बात चर्चा में आई है इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर ये चीजें जो है वो डिस्कस जरूर हो रही है। और जिस तरीके से बीच में बताया भी गया कि 50 साल तक ये चीजें जो है वो डिस्क्लोज नहीं होती किसने नॉमिनेट किया, कि किसने नॉमिनेट किया, तो मतलब अगर एक लिहाज से देखा जाए तो अभी तक काफी सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पर इस चीज के बारे में जिक्र कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम देखें तो आज ये न्यूज हमारे सामने आई है। तो आप जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में आके आपकी क्या राय है। और इसी के साथ मैं जाऊँ हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।